उत्तर प्रदेश के रायबरेली में आकाश बायजूस ने अपने पहले क्लासरूम सेंटर का उद्घाटन किया। प्रतियोगी परीक्षाओं तैयारियों को लेकर आकाश बायजूस ने शहर के डिग्री कॉलेज चौराहे स्थित अपना पहला क्लासरूम सेंटर खोला है। अभी तक जनपद के छात्र छात्राओं को NIT, IIT, JEE व MBBS की कोचिंग के लिए जनपद से बाहर जाना पड़ता था, लेकिन रायबरेली में कोचिंग इंस्टीट्यूट खुलने के बाद जिले के लोगों को प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारियों के लिए अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा। कोचिंग सेंटर में 12 कक्षाएं संचालित होंगी, जिसमें 700 से ज्यादा छात्र छात्राओं प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर सकेंगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर HR राव है। मैं रीजनल डायरेक्टर हूँ आकाश इंस्टीट्यूट की तरफ से। रायबरेली की ब्रांच हमने आज इनोग्रेट की है। ये हमारी यूपी में 30वीं ब्रांच है। तो रायबरेली ब्रांच इनोग्रेट करने का पर्पज़ मेन यही था कि यहाँ पर पेरेंट्स की काफ़ी रिक्वेस्ट आती थी, तो उन्हीं की रिक्वेस्ट के बेसिस पर हमने रायबरेली ब्रांच हमने ओपन की है। इसमें 12 क्लासरूम है, जिसमें कक्षा 8 से लेकर 12वीं और 12वीं पास वाले बच्चों की कक्षाएँ रहेगी। 8वीं से 12वीं तक के बच्चे होंगे वो इवनिंग में पढ़ाई करेंगे, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में उनका स्कूल होता है। तो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स की इवनिंग में क्लासेस रहेगी, 4 बजे से लेकर 7:30 बजे तक क्लासेस रहेगी। और जो 12th पास स्टूडेंट्स होते हैं, जो मेडिकल या इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनकी क्लासेस सुबह रहेगी। अगर मैं एडमिशन के प्रक्रिया की बात करूँ, तो हमारा 1 अक्टूबर में एग्ज़ाम होता है एंथे। अगर बच्चे ने एंथे दे रखा है तो एंथे के बेसिस पे वो एडमिशन ले सकता है। अदरवाइज हमारा एक एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट भी होता है, उसके थ्रू भी बच्चा एडमिशन ले सकता है। वो जो एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट है, बच्चा घर पे भी बैठ के दे सकता है, जिसको IACST बोलते हैं। तो इसके थ्रू बच्चा 90% तक स्कॉलरशिप ले सकता है। लेकिन बच्चे ने अगर एंथे दे रखा है तो उसमें हो सकता है कि बच्चा 100% स्कॉलरशिप तक भी जा सकता है। कितने बच्चों का बैच है? एक क्लासरूम यूजली 50 से 60 बच्चों का बैच रहता है। तो अगर 12 क्लासरूम है हमारे पास में, तो आप कह सकते हैं कि 720 के आसपास बच्चों को हम इवनिंग में और 720 बच्चों को हम सुबह के टाइम में पढ़ा सकते हैं। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।